अगर आप भी कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं और कोर्ट कचहरी के मामलों से निजात पाना चाहते हैं तो यह नवरात्रि आपके लिए बेहद खास है। इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कपिल महाराज बता रहे हैं, माता जी के पूजन करते हैं तो एक श्रीफल जरूर चढ़ाते हैं। कभी हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं होगा कि हम लोग श्रीफल क्यों चढ़ाते हैं। श्रीफल चढ़ाने का केवल एक ही कारण रहता है, माँ का एक भगत था जिसका नाम था ध्यानु भगत, उसने माता की खूब आराधना करी, माता ने उसको हर बार दर्शन दिए, मगर माँ ने उसको कहा था कि बेटा अब रुक जा, अब तू पुनः अपने शीश को मत, अन्यथा मैं दर्शन नहीं दूंगी क्योंकि कलयुग आरंभ होने वाला है। मगर फिर भी उसने माँ की बात नहीं सुनी, उसने अपना शीश चढ़ा दिया, मगर माँ ने उसको वरदान दे दिया कि आज के बाद जब भी कोई श्रीफल चढ़ाता है तब मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। इसलिए भगवती की आराधना में नारियल, चुनरी और चूड़ियां ये इसलिए विशेष तौर से चढ़ाई जाती है कि भगवती जिससे प्रसन्न हो। कहते हैं जिस व्यक्ति को अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति को दुर्गा का बीसा यंत्र एक कबूतर के पांव में बांध करके और जिस व्यक्ति को समस्या चल रही हो उसका नाम लिख करके उस कबूतर को उड़ा देना चाहिए, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी से मुक्त हो जाता है। अगर कोई बंदी होगा तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक।